लोकसभा चुनावों के लिए बिसात बिसना शुरू हो गई है, तमाम परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का दौर चल पड़ा है। हमारे साथ सुनील जाखड़ हैं, पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि पंजाब में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और बीजेपी क्या अलायंस के लिए शिरोमणि अकाली दल से तैयार है। जाखड़ साहब, तमाम कैलकुलेशन शुरू हो गई हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तमाम अलायंसेज ढूंढे जा रहे हैं, पंजाब में बड़ा प्रश्न है अब कि क्या शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का अलायंस जो है दोबारा से हो सकता है, खासकर तब जब सुखबीर सिंह बादल ने जो बेअदबी वाला इशू है उसके ऊपर पब्लिकली मुआफ़ी जो है मांगी है। देखिए, मसला ये नहीं है कल क्या होगा, आज पंजाब के लोग इस बात पे चिंतित हैं कि जो कल बीते कल हो गया है उसकी उसको लेके चिंतित हैं, कल क्या होगा उसको छोड़िए, जो हो चुका है आज उसको लेके पंजाब के लोग चिंतित हैं कि ये जो अनहोली अलायंस जिसको कह लो, जो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का एक सरकारी दल और एक विपक्ष मेन विपक्ष दल है, वो आपस में चोर सिपाही इकट्ठे हो गए, तो कौन पंजाब के हितों की रक्षा करेगा? या लोगों को गुमराह कर रहे थे पिछले 1.5 साल से, दोनों मिले हुए थे, आज वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब मसला सिर्फ इतना ही बचा है कि जहाँ पे उन्होंने आपस में बैठ के प्रधानमंत्री तो तय कर लिया, तो मैं समझता हूँ लगे हाथों भगवंत मान जी के ऊपर भी मोहर लगा देते भी पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी भगवंत मान जी होंगे। जो कांग्रेसी नेता 1.5 साल में, आज तक मैं शर्त से कह सकता हूँ कि कोई भी एक भी नाम का नाम मात्र कोई जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं इनके, किसी एक ने भी भगवंत मान जी को आदर सत्कार से बुलाया हो या जी नाम का इस्तेमाल उनके साथ किया होगा, क्या वो भगवंत मान जी को आज अब सत्कारियों कहने लग जाएंगे? इनके आपस में देखिए, ये जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, ये मसला यहीं पे नहीं है साहब, ये अनहोली अलायंस, मैं यूं ही नहीं कह रहा क्यों अनहोली है, इस अनहोली बिकॉज मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये सभी एक दूसरे को मारने के लिए जब 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से परास्त हुई, तो इनके सब आज के जो सहयोगी हैं वो बीते कल तक तालियां बजा रहे थे कि देखो इनका दिमाग सही हो गया, ये तो एक दूसरे का दिमाग सही करने में लगे हैं, देश का क्या संवार देंगे। तो पंजाब के लोग चिंतित हैं, अब हमारी बात कौन रखेगा, इसलिए आज पंजाब के लोगों की निगाहें हैं वो बीजेपी की तरफ हैं कि मात्र एकमात्र पार्टी बची है जो पंजाब के हितों के ऊपर रक्षा कर सकती है, पंजाब की बात मजबूती से रख सकती है, तो आगे देखिए क्या इसमें क्या बनता है। पहले इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं, आपने शुरू की है, तो पंजाब में भी 2 फैक्शंस हैं, कांग्रेस में कांग्रेस का एक फैक्शन जो है बड़े वसीफरीली विरोध कर रहा है इसका अलायंस का जो है आम आदमी पार्टी से, जबकि एक फैक्शन जो है वो अलायंस की सपोर्ट भी कर रहा है। आप इसको अनहोली अलायंस कह रहे हैं, पर नेशनल लेवल पर वो कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को डिफीट करने के लिए जो है अपने जो डिफरेंसेज हैं वो भुलाने पड़ेंगे। देखिए, नेशनल लेवल का तो मैं कह नहीं सकता, पर पंजाब की कांग्रेस को मैं भलीभांति जानता हूँ, मैंने 50 साल इस पंजाब कांग्रेस में बिताए हैं, पंजाब कांग्रेस के मैं एक एक सभी व्यक्तियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। पंजाब की कांग्रेस जो इस बात के लिए यहाँ पे आज ललायत है कि हो जाए, वो लोग हैं वो आज बीजेपी को रोकने के लिए नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं पर्चों को रोकने के लिए। पंजाब विजिलेंस डिपार्टमेंट दिख रहा है उनको, आज ना तो राष्ट्र दिख रहा, ना भारतवर्ष दिख रहा, ना पंजाब दिख रहा। आज कांग्रेस के वो नेता जो कि भ्रष्ट हैं, जो इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, जिनके दरवाजे के ऊपर विजिलेंस दरवाजा खटखटा रही है, वो तो पर्चा रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बाकी इनकी कोई किसी भी नैतिक आधार, ये तो अपने आप को उसमें नैतिकता का एक जामा पहनाना चाहते हैं, जिस तरह इन्होंने नाम अपना इंडी रख लिया, इंडिया रख लिया, नाम धरने से नहीं बदलते साहब, इनकी करतूतें बोलती हैं, नाम कुछ भी रख लीजिए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी पिछले कल प्रपोज हुआ था बतौर PM कैंडिडेट जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग में, कल जब ये अलायंस में खड़गे साहब का नाम आया तो मैं एक बात को देख के मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मुझे अफसोस भी हुआ कि सारे इस बात को, सारे हेडलाइंस ये चल रही थी कि कांग्रेस लीडरशिप एम्बेरेस्ड, किस बात के लिए एम्बेरेस्ड साहब? खड़गे साहब के नाम के ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप एम्बेरेस्ड है कि कुछ दूसरे विरोधी पार्टियों ने उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज कर दिया, तो आप देख लीजिए कि उस पार्टी के आज सीनियर लीडरशिप के अंदर किस किस्म की विचलित हैं वो। उन्होंने मात्र उनको एक दिखावे मात्र एक्सेप्ट तो कर लिया प्रधान के तौर पे या नॉमिनेट कर लिया, परंतु उनकी यथास्थिति या उनकी मानसिक स्थिति ये है कि अगर ममता जी ने
या केजरीवाल साहब ने उनका नाम ले दिया प्रधानमंत्री के लिए, तो आज वो उसको एम्बेरस फील कर रहे हैं। सब इन हालातों में कुछ कहना, आज मैं समझता हूँ वो लीडर ही अपने आप में एक्सप्लेन करें कि आज वो खड़गे साहब को किस निगाह से देखते हैं। वो एक वोट बनाने के लिए एक मखौटे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार इसी बात को नाम ले के हो रहा है कि उनको जातिगत नतीजे को देख के उनको आगे किया गया है या उनकी काबिलियत को देख के किया गया है। लोग बेवकूफ नहीं है, सब लोग समझते हैं क्या हो क्या रहा है। एनडीए का ही पार्टनर हैं सुखबीर सिंह ढींसा जी, उन्होंने बड़ा वेलकम किया है। सुखबीर सिंह बादल ने जो माफ़ी मांगी है बेअदबी के इशू को लेकर, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है और उनकी तो मीटिंग भी हो रही है पार्टी की, 23 तारीख को डिसाइड करेंगे कि दोबारा श्रोमणी अकाली दल में जाना है या नहीं जाना है। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि वन स्टेप फॉरवर्ड है दोबारा अकाली दल और बीजेपी के अलायंस की तरफ, जिसको एक नेचुरल अलायंस जो है पहले भी बताया जाता रहा है? ये सारे फैसले, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी किसके साथ गठबंधन करती है नहीं करती है, ये फैसले दिल्ली हाईकमांड बैठ के करेगी। पर पंजाब के दृष्टिकोण से मैं इतने कहूँगा, पंजाब के अंदर अकाली दल जो है एक पंथ की एक नुमाया जमात है, वो एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक फोरम है सिख जमात के लिए अपनी भावनाओं अपनी आकांक्षाओं को मजबूती से रखने के लिए। आज अगर चाहे हमारे राजनीतिक तौर पे विरोध रहे हो समझौता रहो, परंतु ये एक वास्तविकता है धरातल के ऊपर कि एक रीजनल पार्टी जो सिख कौम की भावनाओं को व्यक्त करने में जिस पे लोगों का सिख कौम का विश्वास हो कि हमारे वो विश्वास को जीतने के लिए सुखबीर जी ने फिर से ये प्रयास किया है, परंतु उस प्रयास को एक तरफ रख के देखें, परंतु अकाली दल का यहाँ पर पंजाब में सक्षम होना मैं समझता हूँ पंजाब के लिए राष्ट्र के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। माफ़ी को कैसे देखते हैं आप? सुखबीर बादल जी ने माफ़ी मांगी। देखिए माफ़ी उन्होंने पंथ से मांगी है और पंथ ने ये फैसला लेना है, सुनील जाखड़ का कहना ना कहना, क्योंकि सुनील जो देखेगा उस पर नुक्ताचीनी हो सकती है और पहले भी इस बात पे होती रही है, क्योंकि हम भी पंजाबी हैं, हमें महसूस करते हैं, परंतु जब जाके वो अकाल तख्त के सामने क्या उन्होंने उनके अकाल तख्त के जो पूरी तरह से उनका जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से किया है या नहीं किया, वो सुखबीर जी और पंथ के बीच का मसला है। परंतु एक मेरे दृष्टिकोण से और पंजाब के दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ अकाली दल का बना रहना, उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी विश्वसनीयता जो है लीडरशिप की, वो सबसे बड़ा एक बेंचमार्क है ताकि कौम को लगे कि हमारी बात रखने वाला भी कोई ना कोई यहाँ पर है। प्रकाश सिंह बादल थे वो इस अलायंस को लेकर, अकाली दल और बीजेपी का जो अलायंस था उसको लेकर ये बोलते थे कि ये सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये अलायंस जो है पंजाब की जो कम्युनल हारमोनी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये वास्तविकता है, सब ये वास्तविकता है। ये कोई बादल साहब देखिए बहुत वो अपने समय के, और मैं समझता हूँ अपने आने वाले समय में भी इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टेट्समैन। राजनीतिक विरोध एक तरफ रखिए, परंतु उनका जो दर्जा था वो पंजाब की नब्ज समझते थे, और ये भी एक वास्तविकता है कि यहाँ पे पंजाब की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का आपस में सद्भावना भाईचारा, जिस बात के लिए गुरु नानक देव जी ने मानस की जात सब एको पहचान वो सरबत दा भला, तो सरबत का भला को लेके जो आइडियोलॉजी चलेगी और जिस जो पार्टियाँ यहाँ पे पंजाब को बांट के जाति के धर्म के आधार पे जो काम करती हैं सब, उनको पंजाबी कभी मुँह ही नहीं लगाता, और यही सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ जिस पार्टी को मैं 50 साल रहने के बाद छोड़ के आए उन्होंने की, और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं और अभी तो मैं समझता हूँ आगे भी भुगतेंगे। अनहोली अलायंस जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, उसको रोकने के लिए क्या अकाली दल और बीजेपी एक फॉर्मिडेबल अलायंस दोबारा बन सकता है? कितनी समय? देखिए साहब हम जो तैयारी कर रहे हैं अपने तौर पर कर रहे हैं, फैसला क्या होगा नहीं होगा आगे समय की गर्भ पे है, परंतु आज तो पंजाब के मन में चिंता इस अनहोली अलायंस को लेके है भी इनमें से चोर कौन और सिपाही कौन है, आज पंजाब में आज मुख्यमंत्री कौन है जो अचकने बनाए बैठे थे, अब वो क्या सोले गाएंगे केजरीवाल साहब के और भगवंत मान जी के जो कल तक उनके नाम के पीछे जी लगाने से कतराते थे, हर किस्म की ओछी भाषा उनके लिए इस्तेमाल करते थे, तो क्या उनको आज सत्कार योग बराबर में बैठ के करेंगे? जिन मंत्रियों के आचरण के ऊपर जाके धरने लगाए गए हैं क्या कल वो उनके बराबर मंच शेयर करके वोट मांग करेंगे? किस मुंह से चलेगा मुझे समझ नहीं आ रही। थैंक यू।
पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ थे और उनकी बातों से एक संकेत हम साफ लगा सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जो है अलायंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुनील जाखड़ ने एक बात साफ तौर से कही है कि पंजाब की बेहतरी के लिए शिरोमणि अकाली दल का मजबूत होना ज़रूरी है और उन्होंने प्रकाश सिंह बादल की उस बात को भी दोहराया है कि अकाली दल और भाजपा का गठजोड़ जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं है बल्कि वो जो है पंजाब की कम्युनल हार्मनी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ी बात सुनील जाखड़ जी ने कही है कि पंजाब में जो है अनहोली अलायंस जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुआ है, मगर अब सबसे बड़ी बात यही है कि क्या अकाली दल और भाजपा का दोबारा गठबंधन होने जा रहा है, जिसके संकेत जो है साफ तौर पे सुनील जाखड़ ने आज दिए हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, बीपी न्यूज़, चंडीगढ़।